इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, करते रहें। तालिबान ने इस गुज़श्ता 60-70 साल की तारीख में पहली दफ़ा ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया था कि करज़ई की या उसकी ये जो है अशरफ गनी की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, हम इससे लड़ें। सही, हमारी लड़ाई सीधी सीधी अमेरिका के साथ है, क्योंकि अमेरिका चले जाए तो ये रेत की दीवारें हैं, इनको हम जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे ख़त्म कर देंगे। उनकी ये स्ट्रेटजी गुज़श्ता तकरीबन 18 साल में उन्होंने ये कायम रखी। उन्होंने बराह रास्त अफगान हुकूमत से कोई जंग की ही नहीं। उनके टारगेट अमरीकी थे, उनके टारगेट नेटो फारसी, उनके टारगेट वो लोग थे कि जो कि वहाँ पर थे, और वो अपील भी ये थी उनकी कि देज आर दी फॉरेन बूट्स ऑन आवर सॉइल, हमारे उस जमीन के ऊपर फॉरेन बूट्स हैं जो आए हुए हैं। सही, ये हुआ कि 18 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन छोटे से ग्रुप को फतह दी। आप अंदाज़ा करें कि इज़राइल जो है, कुरान पाक की एक आयत है, सूरह माईदा की आयात के अंदर से है कि जिस वक्त अल्लाह ताला जिक्र करता है कि ज़ुरिबत अलैहिमु ज़िल्लत वल मस्कन वबाउ बग़ज़ब मिन अल्लाह, तुम जाओ, तुम पे हमने ज़िल्लत मसल्लत कर दी, मस्कन कर, तुम अभी कभी इक़्तदार नहीं आ सकोगे। हाँ, अगर किसी गिरोह की मदद से तुम लोग जो है वो गलबे, बाकायदा अल्लाह ने क्लियर की 1912-13। मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर, और ये बेशक इसमें और अट में लिखें कि फलस्तीनियों के खून का बुनियादी जिम्मेदार नेतन्याहू नहीं, जो बाइडन है। उसकी एक वजह है कि नेतन्याहू के पीछे से अगर जो बाइडन निकल जाए तो नेतन्याहू ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पिघलता, जैसे मोम पिघलता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस वक्त 1912 के करीब ये लॉबीज छुपाई हैं तो इन्होंने वहाँ आके अपना असर और सूख कायम करना शुरू किया। ये मैं किताब भी लेके आया, ये किताब बैन रही है बड़ा अरसा। ये हेनरी फोर्ड की, आपने मैंने जिक्र भी किया था, किताब का नाम है द कंप्लीट इंटरनेशनल ज्यू। ये उसने उसके दो सालों के 1920 से लेके 24 तक के कॉलम्स हैं। इसके साथ साथ ये सारा कुछ चलता रहा, मैं लंबी तारीख में नहीं जाना चाहता, लेकिन 1948 में अक्टूबर में, 14 मई को ये कायम हुआ है इसराइल, और 28 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ट्रूमन ने एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच की है, और डेविड बेन गुरियान जो इनका बेसिक बंदा था, जो उस आलमी वर्ल्ड ज्यूरी जो ज़ायनिज्म सेहूनियत का जो बहुत बड़ा सरबराह थी कमेटी जो यूरोप की, उसका सरबराह था, वो साथ था, और उन्होंने कहा कि हम आपको 135 मिलियन लोन जो है पैसा मदद देते। उसके बाद से चलते चलते इन्होंने मुकम्मल तौर पर इसराइल को एक घंटे के लिए भी नहीं छोड़ा। आखिरी जो एड्स आ रही हैं, आप दादा करें, 2009 में जो सिंपल मिलिट्री असिस्टेंस, ये लोन नहीं है, इमदाद है, इमदाद है, तो तुमने वापस नहीं करने। 2.5 बिलियन 2009 में, 2.7 बिलियन 2010 में, 2.85 बिलियन 2011 में, 2012 में 3.3 बिलियन, और इस वक्त भी तकरीबन जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये तकरीबन 3.5 बिलियन के करीब वो सिर्फ मिलिट्री असिस्टेंस देती। फिर एक और जो है अहम तरीन चीज वो ये है कि इसको जो लोन मिलता है, अपना पैसा मिलता है, वो अमेरिका के बैंकों में रख दिया जाता है इसराइल के नाम के ऊपर। सही, और वहीं पर वो इन्वेस्टमेंट होती है, वहीं से पैसे कमाते हैं, कमा के वहां आ जाते हैं। एक उसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इसराइल टू वहाँ होती है, इस जगह पे अपना यहाँ पर अपना अमेरिका से इसराइल कोई भी पैसा आप कमाएं, कुछ करें, वो जहाँ पर आप उसको दे देते हैं इस अपना इनको। मैं आज आपको सुबह की मिसाल देता हूँ कि मेरी बेटी और दामाद अमेरिका में हैं, तो उनके एक जानने वाले ने $70 एक ऐसी चैरिटी फंड में देना कोशिश की जो कि अपना अमेरिका के ने जमा था फलस्तीनियों की मदद के लिए।
आप अंदाजा करें कि उसका वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दीजिए। उसने आके उनको कहा, उनको कहा, लेकिन वो उन्होंने नहीं माना। मेरे दामाद ने $10 मिलियन अपनी बीवी को, मेरी बेटी को ट्रांजैक्शन की और वो स्टॉप कर दी गई। उस पर लिख दिया उसने कि सिर्फ फिलिस्तीनी फंड्स। उसके बाद फिर उसने $10 दिए और वो ट्रांजैक्शन, ये पेपॉल और ये सारा, यानी पैलेस्टीन का आप इस वक्त लफ्ज लिखें और अमेरिका में बंद हो जाए। मेरी कल बड़ी तफसील से गजा के उन एड असिस्टेंस लोगों से बात हुई, उनको तकरीबन 10 एम्बुलेंस की ज़रूरत है। हम चाह रहे थे कि आज कोई ऐसा एक प्रोग्राम करते जिसके अंदर वो उनकी असिस्टेंस के लिए मैं अकाउंट्स देता। आज बल्कि मैं अब्दुल शकूर साहब की वॉल देख रहा था तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान भी अपनी प्रेजेंस कर रहा है, अलखिदमत ने रिलीफ के सामान वहाँ पहुँचा दिया और गजा में वो तकसीम हो रहा है। वो असल में वो बेसिकली जो हो रहा है बुनियादी तौर पर फतेह एक है अदारा और एक उसके उसकी एक और है सैफुल इस्लाम, इन दो के जरिए गजा के अंदर, लेकिन वो अभी तक डाउटफुल है। मिजान बैंक के अकाउंट था तो उसमें स्टेट बैंक ने कल उनको कहा कि आपने ये क्या किया, आप कैसे फंड इकट्ठा कर सकते हैं पाकिस्तान, आप अंदाजा करें ये सूरत हाल है। तो इसीलिए मैं आज रुक गया हूँ, कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। कल गवर्नर साहब ने 10 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, 10 करोड़ रुपया इकट्ठा दिए थे। वो करते क्या है, वो देते हैं फलस्तीन के फलस्तीन की हुकूमत जो है वो गजा में नहीं है, वो तो मगरबी किनारे पे है, वो महमूद अब्बास साहब है, वो गजा में नहीं। लेकिन है, देखे ना हमारी एनजीओ अगर खिदमत पहुंच गई है, खिदमत के रजा करो ना शर्त पे, देखे फाते और कोई नहीं पहुंच सकता। सिर्फ दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका AIHH की है, टर्की की और एक फाते फाउंडेशन की। इसलिए बहुत क्लियर होना चाहिए बहुत इस मामले के अंदर भी कि वहां भी गजा में अगर पहुंचे हैं तो वो मैं उसके अपने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मैं थोड़ा सा रुका हूं इसलिए रुका हूं। उस्मान साहब रास्ता कोई नहीं है ना, आप कैसे पहुंच रहे हैं, आप कैसे गजा में जा रहे हैं, अब बहुत इंश्योर। तो इसलिए आज बार वो सारे का सारा आया भी था, उनके साथ में एक साहब से बात भी हो गई थी जो गजा के अंदर मौजूद हैं, फिर जो चाहते थे क्योंकि उनको इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरत है एम्बुलेंसेज की, और तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब एक एम्बुलेंस हैं और कुछ हमारे दोस्त हैं वो जो कि इसमें कुछ अपने तौर पर जमा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद अगले तक या अगर मैं कोशिश करेंगे स्पेशल एडिशन प्रोग्राम जर फिर आज का किस दिन कल या परसों कर लें ताकि उसके अंदर हम बता कोई मुमकिन है फिर तुम कर लेंगे स्पेशल अल्लाह करे बेहतर हो जाए। अच्छा ये मैं कह रहा हूँ कि ये है कैफियत, इस कैफियत के अंदर अमेरिकन जो हैं वो तकरीबन इस वक्त 3.5 अरब का वस्ता देते हैं। खुद इसराइल को उन्होंने इस पांव पे खड़ा कर दिया हुआ है कि इस वक्त इसराइल खुद जो है असला प्रोडक्शन करता है और 6 अरब के करीब असला वो बेचता है, उससे कमाता है, ड्रोन्स बनाता है, बाकी सारी चीजें। इसराइल की टोटल सिक्योरिटी जो फॉरेन पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पे वो अमेरिका के हाथ में, बल्कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो इसराइल के हाथ में, और जो लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। 51 शाम वाली सूरत हाल, 67 वो वाली सूरत हाल, 73 ये सूरत हाल। तो हर इशू के ऊपर अमेरिका ने उस मौके के ऊपर इसराइल की एड जो है वो डबल की है, इसराइल को अपनी तमाम असिस्टेंस प्रोग्राम पहुंचाया। इसराइल अगर खुद चाहे कि जंग अकेली लड़े तो उस्मान साहब एक इतनी बारीक सी पट्टी है, सिर्फ मुसलमान दौड़ लगाना शुरू करे ना तो उनको मेडिटेरियन में फेंक देंगे, यानी धक्का लगाना शुरू कर देना कितनी गोलियां चलेंगी, ये मुसलमानों की सिर्फ 50-60 लाख मुसलमान निहत्ते चले जाए। तो इसराइल स्टैंड नो वेयर, इसके वो एटम बम चला दे तो गैरत चाहिए ना साहब, गैरत चाहिए। अच्छा ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने इसको सुना, इस बेवकूफ़ को सुना, इस वीडियो में आपने 3-4 इंटरेस्टिंग बातें सुनी होंगी। पहली इंटरेस्टिंग बात तो ये बोलना चाहता हूँ, इसने बोला कि मेरी बेटी और दामाद अमेरिका में रहते हैं, वो फिलिस्तीनियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। साले कमीने, तू दिन रात अमेरिका को गाली देता है, दिन रात काफिरों को कोसता है और अपनी बेटी और दामाद को अमेरिका में क्यों बिठाया हुआ है तूने? मतलब सोचो यार, इनकी वो देखो, मतलब इनका मतलब ये लोग दिन रात जिहाद की बात भी करेंगे, वेस्टर्न कंट्री को गाली भी देंगे। यहाँ पर भी इसने बोला कि जो मतलब अभी जो कुछ भी हो रहा है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच, उसका मेन मास्टरमाइंड जो बाइडन है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, और वहाँ पे इनको जाकर रहना भी है, वहाँ पर इनको मरने के बाद वहीं पे इनको कब्र भी चाहिए, इस तरीके की सोच है। क्यों भाई तेरी बेटी वहाँ पर है, वापस बुला उसको। हालांकि आपको एक बात बता दूँ कि इसको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल सकता है,
इसको एक बार एयरलाइन से उतार दिया गया था, ये अमेरिका जाना चाह रहा था क्योंकि इसकी जो हेट स्पीचेस हैं और जो भी है अमेरिका के खिलाफ और काफरों के खिलाफ ही है ये, तो बड़ा सबसे मतलब जो जैद हामिद से भी बड़ा जिहादी है ये, जैद हामिद तो इसके सामने कुछ पानी कम है, ये बहुत बड़ा जिहादी है तो इस तरीके की बातें करता है। तो दोस्तों ये मतलब इसने जो इसकी दूसरी बात है मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि इसने बोला है इसराइल में यहूदियों को मारने का तरीका, इसने बताया है कि सारे मुसलमान 50-60 मतलब दुनिया के सारे मुसलमान इसराइल की तरफ दौड़ें और सारे यहूदियों को एक साथ पानी में डुबा सकते हैं, इस तरीके की बातें अब हो रही हैं पाकिस्तान में, तो आप समझ जाओ लॉजिक क्या है। इसने बहुत पहले शायद एक वीडियो आपने इसकी देखी होगी, इसने एक बात की थी कुरान हदीस को कोट करके बोला था कि चीन इंडिया का सर्वनाश करेगा, इंडिया की बर्बादी का कारण बनेगा, इस तरीके की बातें कर चुका है। तो मैंने मतलब उस वीडियो में कमेंट्री करते हुए बोला था कि डेफिनेटली चीन करेगा क्योंकि पाकिस्तान चीन का हिस्सा है, कुरान हदीस में तो ये लिखा नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का पार्ट ही था, तो हिंदुस्तान की ज़मीन जो अभी पाकिस्तान नाम से है उस पर चीन अपना सी पैक बना रहा है, उसको वो बर्बाद कर देगा, उसका काउंटर मैंने इस तरीके से किया था। मतलब ये बड़ा ही बेवकूफ़ बंदा है, अब बात क्या करूँ। तो दोस्तों अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है जो हमास और इसराइल के बीच जो है सीज़ फायर का कुछ डील वगैरह हो गई है और अब शायद ऐसा हो कि एक दूसरे पर दोनों एक देश इसराइल और एक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमले करना बंद कर दे, लग रहा है ऐसा। तो अब देखते हैं ये सिचुएशन कितनी देर तक बनती है। हालांकि इस जो भी अभी जो भी ये फिनोमेना हुए हैं इससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मुस्लिम देशों के पिछवाड़े में दम नहीं है, ये उम्मा का कॉन्सेप्ट इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान ही बहुत उड़ते हैं और इसका जो इनका रूहानी बाप है वो तैयब एर्दोगान, वो इनके पिछवाड़े में दम नहीं है, अगर दम होती तो जाके ये कुछ अपना जॉइंट मिलिट्री फोर्स बना के भिड़ जाते इसराइल से, मैं चाह रहा था भिड़ जाते तो मज़ा आ जाता। तो गाइज़ ये वीडियो करते हैं खत्म, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।